पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मामला है सुर्खी थाने का। सुर्खी थाना अंतर्गत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर बिलहरा के टिकीटोरिया गांव के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध को दो पहिया वाहन को पुलिस द्वारा पकड़ा, जिसमें एक थैले में चेक करने पर 5 पैकेट गांजे के मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राहुल रजक, सागर। कुछ दिनों से पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे SP अमित सांगी सर ने इस अभियान को गंभीरता से काफ़ी लिया और कुछ दिनों से इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि सुर्खी के आसपास कहीं से गांजा सप्लाई हो रहा है। आज इस इन्फॉर्मेशन में सर के द्वारा TIJP ठाकुर के निर्देशन में टीम बनाई गई। इस टीम ने सुर्खी थाना क्षेत्र में टिकीटोरिया गांव के पास में नाकाबंदी करी, वहाँ चेकिंग करी तो एक बाइक मिली। बाइक में दो संदिग्ध व्यक्ति मिले, एक है भोला, दूसरा है देवेंद्र, दोनों टाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और उनकी जब हमने प्रॉपर चेकिंग करी तो उनके पास एक थैला मिला, उसमें से गांजा था। गांजा के लगभग 5 पैकेट हैं जिनका वेट अप्रॉक्सीमेट होगा 23 किलो, 200 ग्राम के आसपास है इनका वेट। तो पुलिस ने इमीडिएट इस पर कार्रवाई करी है, अभी कार्रवाई इस पर की जा रही लगातार। 30 किलो के आसपास है, 30 किलो 250 ग्राम के आसपास है ये। और इस पर जो वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है, इमीडिएट हमने केस रजिस्टर कर लिया है। 8/20 जो NDPS एक्ट है उसके तहत इन आरोपियों को और बाइक को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये माल जब्त कर लिया गया है। इसमें हम सोर्स तक जाने का प्रयास करेंगे। टीम ने अच्छा काम किया और ये हम चाहेंगे कि आगे भी टीम हमारी अच्छी काम करे। सर, कुछ और लोगों के नाम के खुलासे हो सकते हैं? नहीं भाई, डेफिनेटली इसी पर्पस में SP सर ने भी बहुत इस मैटर को देखते हुए इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद कि पूरी डिटेल निकालने कि चैनल कहाँ था और किस सोर्स से चीज़ें आ रही थी बीच में। ये तो मुझे लग रहा हो सकता कैरियर हो, ये सप्लाई किसको कर रहे थे, सोर्स क्या कर रहे थे, यहाँ तक जाने का हमारा पूरा प्रयास हुआ।